गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी होमवर्क सीट 63 है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश एंड हिंदी एंड राइटिंग है, ड्राइंग एंड राइम्स हैं, क्लास UKG। इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंग्लिश हैंड राइटिंग। ये हमारी इंग्लिश की हैंड राइटिंग है, तो इसमें क्या करना है आपको, लिखना है जैसे हट, कट, वट, नट, पुट। तो इस तरह से आपको, जैसे मैंने ये दिया है तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी हैंड राइटिंग। ये हमारी हिंदी की हैंड राइटिंग है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये लिखना है और पढ़ना भी है, निशान, प्लस, हिसाब, किताब। तो इसको देख के आप यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से ये करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, यूज ऑफ ए एंड एन। तो इसमें ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करना है। जैसे वोवल्स हमारे कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, बाकी जो लेटर बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंस होते हैं अल्फ़ाबेट के। तो उसके बाद में ए किस में प्रयोग करना है, जो कॉन्सोनेंस है, जैसे ए ए में कौन सा है, वोवल्स में ए होता है और आई होता है, ओ होता है और ई होता है और यू होता है, तो ये उसमें एन का प्रयोग करना है। और बाकी जो लेटर बचे होते हैं उसमें ए का प्रयोग करना, जैसे एप्पल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन एप्पल, तो यहाँ पर कैट आ गया, सी आया ना, तो ये कॉन्सोनेंस सी हो गया। तो इसमें क्या करना है, ए करना है, एन ए एन ए एन ए एन, तो इस तरह से ये यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एडिशन है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है, जैसे 5 और 4 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 है, और 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, इस तरह से ये करना है सवाल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, कलर इट है, इसमें ये आपको जो पिक्चर बना है इसमें आपको क्या करना है, जैसे पेपर बैगन कौन से कलर का होता है, तो आप यहाँ पर पेपर काट काट के थोड़ा हल्का तोड़ तोड़ के आप यहाँ पर पेपर चिपकाएंगे, यहाँ पर ग्रीन पेपर चिपकाएंगे, इस तरह से ये करना है। थैंक यू।